लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो। सबों के हृदय में बसने वाले परम पिता परमेश्वर एवं इस पावन धाम की शोभा बनाने वाले अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय श्री बाबा विश्वंभर नाथ जी तथा इस गांव क्षेत्र में विराजे देवी देवतागण, हमारे यज्ञ के प्रधान इष्ट श्री लक्ष्मी नारायण भगवान तथा इस यज्ञ के कुशल यज्ञाध्यक्ष महोदय, यज्ञ समिति के अनन्य पदाधिकारी गण, यज्ञ सहयोगी गण, जहां तक ये ध्वनि प्रसारक यंत्र यानी रेडियो की आवाज पहुंचता, जितना लोग जागृत अवस्था में बने यानी जागल बने, चार अचर चले वाला ना चले वाला, दृश्य अदृश्य दिखे वाला ना दिखे वाला, हर पुण्य आत्मा के नमन करते हुए रुआ ये पावन धाम पर आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के प्रथम दिवस भागवत भगवान की मंगलमय आरती महादेव की जय। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय। गांव क्षेत्र में विराज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ दारा कृपा सुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे वाह। श्री कृष्ण कुछ दिन खातिर और जगह धाम में बदल गए। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री नाम यही धन श्याम यही श्री नाम यही धन श्याम यही प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार। बाबा विश्वेश्वर नाथ की भागवत भगवान के शरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए भागवत भगवान सबों की रक्षा करें, सबों के यहाँ मंगल प्रदान करें, यही का संगे आज प्रथम दिवस के सेवा विराम। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। ओम भद्रं कर्णे भी सुनुयाम देवा भद्रं पशे मोखं करोति बा
नमस्तस्यै 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 वसुदेव सुतम देवम् कंस चारुण मर्दना परम श्रद्धेय जन जन के स्वामी सबों के हृदय में बसने वाले परम पिता परमेश्वर एवं इस पावन धाम की शोभा बढ़ाने वाले श्री बाबा विश्वंभर नाथ जी लक्ष्मी नारायण भगवान तथा ये गांव क्षेत्र में विराजे देवी देवतागण एवं इस यज्ञ के कुशल यज्ञाध्यक्ष महोदय यज्ञ समिति के अनन्य पदाधिकारी गण यज्ञ समयी करुणामयी गीता गायत्री सीता राधा सरूपा माता बहन देश के भावी कर्णधार युवक युवती वृंद बालक बालिका वृंद जहां तक ध्वनि प्रसारक के अंदर यानी रेडियो के आवाज पहुंचा था जितना लोग जागृत अवस्था में बनी यानी जागल बनी चर अचर मने चले वाला ना चले वाला दृश्य अदृश्य दिखे वाला ना दिखे वाला हर पुण्य आत्मा के नमन करते हुए रवाई बस्ती में बाबा विश्वंभर नाथ का प्रांगण में आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के आज तृतीय दिवस रात्रि कालीन सेवा में दास ज्ञान मंच पर उपस्थित एक से लेके आ नौ तक ले अंक होला स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गयी भारत के नाम बड़ा नीचा रहे हो बेरा के हुए दिन प्रखर वक्ता ना रहे तो नियम रहे वो सभा के जे ई ना जे रुआ के पहले बता दी हर बजे हे ही पर हुआ बोले के बा जब बोले वाला मंच पर आ गई है तब ब्लैक बोर्ड रखल बा आ वही पर लिख दी है नहीं जे रुआ हे ही पर बोले के बा तो जब स्वामी विवेकानंद के मनी तब को सभा के जितना बड़का लोग रहे वो लोग बुझल जे भारत में केहू बोल नहीं हारे देखे बस यहाँ का नाम पर वो ब्लैक बोर्ड पर सोना घींच दी हो गए जीरो विवेकानंद जी खड़ा भैया पहले जो भाई बहन माता पिता जो तम तीन प्रकार के प्रकृति या गुण होला सेना तो देखिए आज तीसरका श्रद्धा सुमन भागवत भगवान का शरण में समर्पित होके जा रहा होगा पूजा का संपूर्ण फल प्राप्ति का कामना से जितना लोग भागवत का सानिध्य में आई बा भागवत भगवान का कृपा से कबो वो सब पर दुख ना आवे शांति करेला ओकरा दुख ना होला ओकरा कष्ट ना होला छोटा चाहे बड़ा कोनो पूजा करी रुवा अपना घरे भी नित्य प्रति पूजा करी ले तो छोटी सी आरती आप जरूर करेंगे आपका वायुमंडल शुद्ध हो जाता है और आप जो है पूजा में कोई कमी रहती है देखिए अभी यज्ञ में सब विद्वान सब पूजा खत्म होला आरती हुई दोनों में रहना अति पावन जो लोग इसके सानिध्य में रहते हैं वे लोग भी अति पावन हो जाते हैं भक्ति भी क्या है
देखी रोज मंगला चरण पढ़े के परेला आरती करे के परेला ये वजह से कि ये मंच से बहुत बहुत अनुपम आप सबे आनंद ली लेकिन हृदय मन आत्मा ये सब में बड़ा गोपनीय समान रुवा शरीर में रखल बा शरीर में मौन पावल जला हृदय पावल जला परमात्मा के सूक्ष्म अंश आत्मा पावल जला। देखिए कितना बड़ा रहस्य छी परम हस्तिनापुर में संत धै रहे जे शंख बाज जाए तो बुझल जाए जग पूर्ण हो गए तो सुपने भगवत का कैला भगवान के विवाह जनकपुर में भइल बा तो भगवान के जूठन प्रसाद खातिर डोम डोमिन लोग हल्ला वगैरह कैले बा जब डोमिन के नजर पड़ल बा भगवान पर तो कहले बिया कि आपे से लागी नजरिया ये राघो जी आपे से लागी नजरिया मैंने हे प्रभु आप पर मेरी नजर जो है सो ठहर गई है। विद्वान लोग तो कहला कि यह डोमिन अगला जन्म में कृष्ण अवतार में बसुरी मन रहे सत्कर्म अच्छा कर्म करेला वो आदमी पूर्ण आयु के भोग करेला ओकरा सुख के कमी ना होके आज शुक्रवार दिन लेकिन रुआ हमारा शरीर में अमृत बा ओकर प्रमाण मात्र आठे बूंद बा जकरा मस्तिष्क में आठ बूंद बन जाला चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो वह प्राणी सौ वर्ष से अधिक जीता है। एकर बने वाला दिन हो सोरे बरिस से बीस बरिस लड़िया आनंद हो जाए। लिखल मां भागवत में कि प्राणी जितने दिनों तक भागवत के सानिध्य में रहता है उसके पूर्वज लोग पितर लोग मीठा मीठा जल घी मधु और सुंदर सुंदर चीज पान करते हैं। रघुआ भगवान के श्री कृष्ण कथा अमृत सुन रहा मनी और रघुआ सुनला से राउर कुल जोन मतों पावन हो रहा श्री कृष्ण गो अरे के गो बाबू अपना छोट बच्चा से ताली बजवा रहल बड़ी जान ली रुआ जेकरा बचपन में भक्ति मिल जाला पढ़ल लिखल तो सेंटरिंग में रखी रुआ वो आदमी इतना बड़ा महान होला ये दुनिया भूण भूमि ये जान ले हाथ उठावे वाला लोग कि भगवान का वही मेरा उन नाम लिखा गया अब रहूंगा हाजिरी बोले तुम नु हाजिरी कहाई रहो भगवान का रजिस्टर मेरा उन नाम बा ऐसे तो ने एक मिनट दो मिनट गृहस्थ का सेवा करे के चाहिए अब बाल बच्चा चिला दर्शन और नाक दबोतनी मोह मारी तरह पूजा करे द्वार पर पशु लोग बाबू लोग डेडरिया मारा था यहाँ का बैठ हारा हारा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे धन्यवाद धन्यवाद।
बहुत खुश बनी है। सूत जी कहते नहीं ऋषि लोग से ये एमें छिलका या गुठली नहीं, यही से यहाँ का आरती में कहले बनी कि महापुराण भागवत निर्मल। और इस पुराण में थोड़ा बहुत तनी मनी कुछ तनी मने लाग जाए, लेकिन भागवत में रुआ नहीं लगा सके। आई जान लिया जाओ कि जे श्रद्धा युक्त होके श्रद्धा नाम लीला या दधतम कला। ये संसार में जे जे लोग श्रद्धा सहित भागवत का शरण में आई ओकरा के जबरदस्ती ना सुनावे, ऐसे कि उनका जी में कुछ दूसर काम निकल मा कुछ दूसर होखे के पास माम ऐसे वो नहीं खन बना सके। अब देखिए दूसर का अध्याय में भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य ये आप सभी खूब जान लोगे। दूगो शब्द बा भगवत कथा और भगवत भक्ति। संपूर्ण अध्याय के सारांश भई जे जो लोग भगवान की कथा सुनते हैं क्या तू कौआ हो बायस कहने वाला कौआ शराब में नहीं आगा यहाँ का कौआ हो गए। ओम बड़ा अफसोस भई लो मसी का जो वो बड़ा सीधा आदमी मिला हम में अच्छा तले बड़े संदिली में अभी नाव नहीं क्या बताई, लेकिन जान ले लोग इन आश्चर्य में हम सुन ले नहीं जे कोनो देश में जे गीत भगवान लोग उतरे ला तो जिन ढोल उल बजे लगे ला जे बढ़िया का धन्य हो परमात्मा। ईसन कुली व्यवस्था इस संसार में वहां का रखले बनी बड़े बिचारू आ सोचत रहे कि भगवान तो सब देवे के कहते बनी अपन भक्ति देवे के नहीं। भक्ति के उदाहरण बा कि लौन बिना बहु व्यंजन जैसे कितना हूं बढ़िया व्यंजन बनाई हो मैं राम रस नहीं खे दो कर तो भक्ति राम रस का स्वरूप में उजिन उदाहरण दिहल गए। का भूसुंडी जी कहले बड़े भगवान से कि भक्त कल्प तरूप न कृपा सिंधु सुख धाम सोनी जब भक्ति मोहि प्रभु देव दया करिदा। देखी कौआ हूं लेकिन मंगल बड़े कि भक्त कल्प तरूपनत ही था। आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं और सबों की रक्षा करना के बहुत नहीं वो जिन भगवान आ जाएंगे। अब कौना रूप में किंग और कई से ही तो ज्ञान नहीं थे न तो हम हूं जाके बुला लिए थी चाहे बगले में धो तो यहां भगवान पधार जाते हैं। जैसे भगवान है नो तल ले चौथा शब्द बा गुरु। गु मने होला अंधकार रु मने प्रकाश होखे नो याद कर ले कान खोल के कुछ ना कुछ से जरूर प्रेम रखे के चाहे रुआ जिक्र इच्छा करे हम कोनो जोर दबाव दे के नहीं ठीक होत के रुआ यही से रखे। अब जैसे विद्यार्थी का विद्या से प्रेम होखे के चाहिए वही ना कर बहुत बड़ा विशाल परिभाषा बा तो वहां का कहानी है देखनु जकरा कुछ हो तिहु से प्रेम ना होखे तो बुझिए जे जियत पिचास हो का लाभ बा का फायदा बा तरुआ के कम से कम फायदा गिना दी आठ गो। अभी आठ गो रुआ फायदा ले रहा मनी इनमें से कौनो इको को तो भगवत कृपा से मिल गई। गौर करी एक नाथ जी की नौले में नहीं आठो कथा श्रवण उपजे विरक्ति जब रुवा कथा सुने जाए लगे। अब एक दो तीन गो कहानी बा जितना बात रुवा के कहे में सब में राज छी करूंगा। जब आप कथा सुनने जाइएगा तो आप में
विरक्ति की उपज होगी। विरक्ति के उल्टा होला आसक्ति। जकरा जकरा आसक्ति बा जंगल फतिंगा का आसक्ति हो जाला दिया से, बस वही में जाके जड़ के उमर जमे हिचकिचाए जाए। आ देखी माटी कितना तपस्या कैले बा कि कितना सुंदर सुंदर आसन पर बैठे वाला लोग आज है जिन है त्रिपाल पर भूमिया बैठल बनिया सभी एकरे नाम विरक्ति। तो कहते नहीं यहाँ का कि कथा श्रवणी उपजी विरक्ति, इस प्राणी में विरक्ति की उपज होती है। कथा श्रवण बाढ़े शांति, बहुत बड़ा निधि हो जौन के नाम हो शांति। यदि ये मानव शरीर में ना मिलल तो कबो नाम भी से अभी जमल रहुआ भगवत कथा तन्मय होके लीला का अंतर्गत अनुसरण कर रहा बनी जो रुआ आत्मा में शांति मिली वही कहो दनिया का कि कथा श्रवणे श्रवणे परमानंद प्राप्ति। जब आप प्रेम से भगवान के कथा सुनी ले तो कौन चीज मिलेला ओकर नाम है परमानंद। तीन गो शब्द बा आनंद महा आनंद परमानंद। आनंद क्षण भर, महा आनंद कुछ देर, और परमानंद मने सदा सदा। जहिया जौना कथा के क्षेत्र के रुआ हई जौना ऋषि मुनि के वंशज हई ओ सब के कीर्ति जहिया रुआ कान में परिनु ओ दिन कथबे सुनलका से रुआ में परिवर्तन होके यही से बराबर नियम से लिखल बा भागवत में कि कोटि यदि ये जीव से कहीं पाप हो गई बा पाप ओकरा के कहल जाला जौन अनजान में होला। रुआ रात में अन्हारा में आ रहल बनी आ रुआ पैर से कोनो कीड़ा वगैरह दबा के मर गई में रुआ जननी ना एकर नाम पाप है। माता बहन लो जलावन जलावताओं में भीतरी कोनो कीड़ा बड़े अब लोग ले ना झर गई ले ओकर नाम पाप जो ना अनजान में होला। जान के रुआ हम करी ले ओकर नाम पाप ना हम ओकरा के ओ घक हो जा अब वो बिना तपस्या के ना कर वो रुआ तपस्या करे के पर ये जो छोट छोट बात जो नया रुआ जननी यही से वहां का लिख नहीं कि पापम उधारती कथा श्रवण में महीना दिन माता बहन लोग भोजन वगैरह बनावता ते ही से पूर्णिमा के कथा के विधान बनाओगे जो कुछ पाप वगैरह भेल बा तो उन प्रसाद का रूप में बढ़ जाए थोड़ा थोड़ा। तो चार गुलाम चार गो गुजराती भाषा में कथा श्रवणे उपाधि तुटे। जो लोग भगवान की कथा सुनते हैं उन्हें ही उपाधि मिलती है योग्यता मिलती है वही प्राणी संसार में महान। बहुत रहस्य कथा का अंतर्गत छिपल कथा श्रवणे भवा भी अटे। बड़ा गूढ़ बात यहाँ का बतौनी है कि जो लोग भगवान की कथा सुनते हैं उन्हें भवसागर में मार्ग मिल जाता है। बहुत आदमी सारा जीवन भटकते रह जाले कबो हई करी है कबो हो करी है कबो हो करी है आ यह करते करते उनकर जिंदगी ओरा गई ला कोनो में के महारत ना मिलल जान ले रुआ सच्चिदानंद भेटे। देखी कितना बड़ा मोहर मरने यहाँ का शायद यो का कथा वगैरह सुन ले नहीं तो मैं भोला बाबा दर्शन देनी कहते नहीं है कि कथा श्रवण ये सच्चिदानंद भेटे। हमने के भगवान के देवी देवता लोग के नाम है सच्चिदानंद सत चित आनंद ये तीनों मिल जाला तो सच्चिदानंद हो जाला। तो कहने यहाँ का कि कथा श्रवणे सच्चिदानंद भेटे। जो लोग भगवान की कथा सुनते हैं उन्हें सच्चिदानंद घन परमात्मा मिलते। आठवां लाभ समूल टूटे माया जा
जोन माया के जाल बा जोन में हम फंस के बाहर ना निकल पाईले तो यहाँ का आठवा में लिखने की समूल टूटे जोन का संगे माया जोन बातों टूट जाला छूट जाला अलग हो जाला। श्रीमानी आठ को लाभ हुआ भगवत कथा का माध्यम से हरे राम 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 राधे श्याम 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 हरे राम 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 राधे श्याम 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 हरे राम 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 राधे श्याम 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 हरे राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। अब देखी समय हमार महाराज जी कह गई हम ओ अनुपात से अब 6 मिनट बाँचल भगत जी के पाचे पाँच